हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे डेडपुल और वुल्वरीन से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे टोटल 8 अपडेट के बारे में जो कि बहुत ही कमाल के होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तुम तो हमेशा ही गलत थे लोगन, फिर सही हो गए। तू तैयार है? हाँ भसड़खोर, मैं तैयार हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले अपडेट के बारे में। तो डेडपुल और वुल्वरीन जो मूवी आने वाली है, उसमें जो वुल्वरीन का कैरेक्टर होने वाला है वो एक्चुअल में कोई पुराना लोगन नहीं है। सभी सोच रहे हैं कि अब तक हमने जितनी भी एक्समैन मूवीज देखी हैं जिसमें कि जो लोगन का कैरेक्टर प्ले करता है यानी कि हमारा ह्यूग जैकमैन, वो वही पुराना ओल्ड कैरेक्टर है। पर ऐसा नहीं है, ये वाली मूवी में आपको एक न्यू वुल्वरीन देखने को मिलेगा जो कि दूसरे यूनिवर्स से आया है। और डेडपुल अपने यूनिवर्स से जाकर दूसरे के यूनिवर्स में जाकर वुल्वरीन को लेके आता है और उसको एक टीम अप के लिए एग्री करता है। तो मूवी में आपको कुछ ऐसा ही रिलेशनशिप दिखने वाला है जिसमें कि एक दोस्त नाराज है और एक दोस्त उसको मनाने में लगा हुआ है कि भाई बस ऑडियंस और मैं भी कई सालों से, यानी कि टोटल 23 साल हो चुके हैं एक्समैन की मूवीज को रिलीज हुए, पहली मूवी जब आई थी, उन 23 सालों से ऑडियंस और मैं खुद इंतजार कर रहा हूं कि कब हम दोनों की टीम बने। तो हमें मूवी में कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। तो टोटली ये अलग कैरेक्टर होने वाला है, तो आप ऐसा ना सोचिएगा कि हमें ये पुराना कैरेक्टर देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में जो कि है X23 से रिलेटेड। तो काफी लोगों के मन में सवाल था क्या ये कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा या नहीं मूवी में। तो फाइनल जो ट्रेलर रिलीज हुआ अभी हाल ही का डेडपुल और वुल्वरीन का, उसमें हमें X23 का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिख चुका है। जी हाँ, वो एक साइड कैरेक्टर हो सकता है क्योंकि पूरी मूवी में नहीं होगा। ये थोड़ा सा सीन मुझे जो अगर एनालाइज कर रहा हूं मैं इसको, तो ये डेडपुल और वुल्वरीन का एक एंडिंग का सीन है जिसमें कि वुल्वरीन थोड़ा हारा हुआ सा नजर आ रहा है मुझे, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे भी देख भी रहे होंगे। और यहाँ पर X23 उसको एक मोटिवेट लाइन करके बोलती है। तो ये X23 शायद डेडपुल की यूनिवर्स की है और वुल्वरीन कितना टाइम ट्रेवल करने वाला है भाई, इस मूवी को देख के ही पता चलेगा। तो फाइनली X23 भी इसमें हमें देखने को मिल चुकी है और हो सकता है कि शायद हमें और भी एक्समैन के कैरेक्टर देखने को मिले जो कि वुल्वरीन के लोगन मूवी में थे। चलिए अब बात करते हैं थर्ड अपडेट के बारे में जो कि बहुत ही कमाल का है। तो ये पूरी की पूरी मूवी वॉइड में होने वाली है, वही वॉइड जहां पर टीवी लोगों को मारने के बाद उनकी जो बॉडी है नहीं वॉइड में चली जाती है, वो एक्चुअल में मरते नहीं है। इसका रीजन हमें पता चला लोकी सीरीज में। तो फाइनली पूरी सीरीज वॉइड में होने वाली है जिसमें कि हमें एक्समैन और एमसीयू के काफी सारे रेफरेंस दिखने वाले हैं। काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये डेडपुल और वुल्वरीन जो मूवी है ये एक्समैन मूवी है, पर नहीं, हमें इसमें एमसीयू के रेफरेंस दिखने वाले हैं। फाइनल ट्रेलर में हमें एसगार्ड भी देखने को मिला, एवेंजर्स मूवी का हैरी कैरियर भी देखने को मिला 2012 वाली का। उसके बाद हमें एंड में स्पाइडरमैन का भी रेफरेंस देखने को मिला जिसमें कि डेडपुल उसको स्विंग से करता है तो वुल्वरीन काफी नाराज हो जाता है, कहता है इसे बंद करो, फिर भी वो नहीं मानता है। तो हाँ, इस मूवी में हमें एमसीयू और एक्समैन के काफी ज्यादा रेफरेंस दिखने वाले हैं। उसी के साथ बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो केविन फाइगी ने कंफर्म कर दिया कि आपको इसमें बहुत सारे रेफरेंस और प्लस एक्समैन के कैमियो देखने को मिलेंगे। जी हाँ, इसमें विलेन तो देखने को मिल ही रहे हैं पर एक्समैन को इन्होंने छुपा के रखा है, हाइड करके रखा है। तो ऐसा मत सोचिएगा अगर X23 को रिवील कर दिया तो भाई मूवी आधे से ज्यादा स्पॉइल होगा, पर नहीं, केविन फाइगी का कहने का मतलब है तो यानी कि इस मूवी में बहुत कुछ होने वाला है और ये मूवी बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है मल्टीवर्स के साथ। और अब बात करते हैं सबसे बड़े अपडेट के बारे में। तो डेडपुल के फाइनल ट्रेलर में हमें फाइनली डेडपुल क्रॉप्स देखने को मिला। जी हाँ, अब इसके बारे में सभी जानते होंगे जिन्होंने कॉमिक बुक पढ़ी होगी कि डेडपुल क्रॉप्स एक ऐसी टीम है जिसमें कि मल्टीवर्स से डेडपुल आकर इकट्ठा होते हैं और डेडपुल की मदद करते हैं। और ये टीम बनाता है डेडपुल खुद ही और वो मल्टीवर्स में जाके सभी डेडपुल्स को अपने वर्जन्स को एग्री करता है एक टीम बनाने के लिए, जिसमें कि अगर कभी भी डेडपुल को जरूरत पड़ेगी अर्थ 616 वाले को तो पूरी डेडपुल क्रॉप्स आकर डेडपुल की मदद करेगी। पर कॉमिक में ऐसा बताया गया है, पर यहाँ पर तो इन डेडपुल अर्थ 616 का तो है ही नहीं, वो अपने यूनिवर्स का है। तो थोड़ी स्टोरी को बदला है एमसीयू वालों ने और डेडपुल ही टीम बनाता है और डेडपुल को जब एंड में मदद लगती है तो सारे डेडपुल आ जाते हैं एक पोर्टल के जरिए। जी हाँ, तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि चारों तरफ एक येल्लो सी वो है लाइन सी और नीचे चिंगारी छूट रही है, तो गारंटेड ये डेडपुल ही बुला रहा है मुझे ऐसा लगता है। बाकी मूवी देख के ही पता चलेगा क्या होने वाला है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इंतजार है डेडपुल क्रॉप्स का मूवी के एंडिंग सीन में देखने के लिए। और इसमें कौन कौन से मेंबर होने वाले हैं, तो अब तक हाल फिलहाल जो कन्फर्म हुए हैं वो है सबसे पहले डेडपुल, उसके बाद लेडी डेडपुल,
फिर डॉग पूल, फिर किट पूल, फिर काउ डेड पूल और उसके बाद हेड पूल जो कि हवा में उसका सर ही सारे और कुछ नहीं है उसके पास। तो गाइस इतना कुछ हमें देखने को मिलने वाला है और टोटल अब तक जो मैंने वेरिएंट देखे हैं उस सीन में उस फ्रेम में टोटल मुझे 13 डेडपूल वेरिएंट देखने को मिले हैं जिसमें कि मैंने डॉग पूल और हेड पूल को गिना भी नहीं है। कम से कम 14-15-16 हमें डेडपूल वेरिएंट दिखने वाले हैं और वुल्वरीन के कितने होंगे भाई ये तो पता ही नहीं है। तो मूवी में बहुत कुछ दिखने वाला है। उसी के साथ अब बात करते हैं सातवें अपडेट के बारे में जो कि है डेडपूल के प्रीमियम से रिलेटेड। तो फाइनली डेडपूल का प्रीमियम होने वाला है यानी कि रेड कार्पेट होने वाला है और जो कि होगा 22 तारीख को पर इंडिया के टाइम के हिसाब से इंडिया डेट के हिसाब से 23 तारीख को मॉर्निंग में 6:30 बजे से हमें डेडपूल के ऑफिशियली रिव्यूज आ जाएंगे कि ये मूवी कैसी है, क्रिटिक्स की सारी रिपोर्ट आ जाएंगी। तो भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि फाइनली हमें पहले पता चल जाएगा कि डेडपूल कैसी मूवी होने वाली है। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो डायहार्ड फैंस है वो तो मूवी देखने जाएंगे। उसके बाद आप बात करते हैं फाइनल अपडेट के बारे में। तो डेडपूल की जो टोटल रन टाइम होने वाली है वो होती है 2 घंटे 7 मिनट की इंक्लूडिंग पोस्ट क्रेडिट सीन और इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला है तो एंड तक उठना मत, मूवी को पूरा देखना। और एक पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत कमाल का होने वाला है वो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, स्पॉइल नहीं कर सकता, तो इसीलिए जाके मूवी को एंड तक देखना थिएटर में। और इसी के साथ अगर आपकी बुकिंग हुई है या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ क्योंकि मैंने आज बुकिंग कर ली है। बाय बाय।